भदोही जिले की तुलसी तहसील क्षेत्र के गांव खेरी में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने एक ऐसी सादी मिसाइल जाहिर की है जहां लोगों को सुनने के बाद हैरानी हो रही है। आपको बता दें कि मामला तुलसी तहसील क्षेत्र के गांव खेरी का है, जहां हाजी सैन खान ने अपने बेटे की शादी गाँव के ही अपराध प्रधान पति की भतीजी के साथ बगैर दान दहेज के ही कर दी, जो कि दोनों लोग अमीर परिवार के हैं, लेकिन उन्होंने मुस्लिम समाज के नाते इस नए जमाने में भी अपने बेटे की शादी में एक रुपये का भी दहेज नहीं दिया। इतना कि लड़की वाले परिवार से खाने पीने को भी मना कर दिया, बल्कि 11 आदमियों के समक्ष यह शादी मुकम्मल की गई और खाने में केवल एक प्याला शरबत 11 लोगों को दिया गया। जैसे ही यह खबर जगह जगह लोगों को पहुँच रही है, वैसे ही लोगों में एक चर्चा का विषय बनता हुआ जा रहा है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता हाजी अजमल खान ने खैरी गांव में जाकर हाजी साइन खान को मुबारकबाद दी और उनके सर पर पगड़ी बांधकर उनका सम्मान किया। जिस तरह यह खबर लगातार फैल रही है, वैसे ही लोग उनके लिए बधाई देने के लिए लगातार आ रहे हैं। बधाइयों से नईम अब्बासी की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज़। पहला काम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईजाद किया हुआ काम, ना जहेज दो ना जहेज दो। दूसरी बात ये कि इसमें गवर्नमेंट पहल कर रही है, अच्छी बात है, तो इस गवर्नमेंट को भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि ये काम जो है अच्छा है और लोगों तक मैसेज पहुंचे कि वो इन चीज़ों से दूर रहें और इन नापाक चीज़ों से, जहेज वगैरह से, और लड़कियों का जो है शरीयत के हिसाब से इसको काम करें और निकाह करें। अच्छा, तो आपने जो है बगैर दहेज के साथ ये शादी की है? जी हाँ, मैंने बगैर दहेज के साथ, शरबत के प्याले, बिल्कुल शरबत के प्याले पे शादी किया गया है। ये ग्राम खैरी ब्लॉक अम्बियापुर, ये शादी शाइन भाई और मौजूदा प्रधान अबरार खान, इनकी अबरार खान की भतीजी है और शाइन भाई की बेटे की शादी शरीयत के हिसाब से की है, और ये एक समाज के लिए बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है कि जिस तरह से हमारे देश में बच्चियों की हत्या की जा रही है, बच्ची को एक बोझ समझा जाता है, तो इससे निजात पाने के लिए हम सब लोगों को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के यहाँ जब बच्ची पैदा होती है तो माँ बाप उसी टाइम अपना चेहरा दिल मायूस करता है कि बेटी हो गई, इसे पढ़ाना भी है और शादी करने के टाइम में बहुत सारा जहेज भी देना है। तो ऐसे नेक इंसानों को मैं बधाई देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे लोगों ने पहल की और आके बिना जहेज के, बिना किसी मांग के, बिना खाने के शादी की, और मुझे उम्मीद है कि इससे पूरे देश में, क्षेत्र में मैसेज जाएगा और लोग आगे बढ़कर इसमें पहल करेंगे और इस समाज को आगे ले आके बच्ची बचाओ अभियान को आगे बढ़ाएंगे, मुझे उम्मीद है। इसी के साथ अपील भी करता हूं।